आखिर उस रात स्टेफनी मैकमैन के साथ क्या किया था अंडरटेकर और उनके साथियों ने। दोस्तों, एक समय था जब WWE में अंडरटेकर दहशत और खौफ का दूसरा नाम हुआ करता था। अंडरटेकर अपने माइंड गेम से अपने विरोधियों को खूब डराते थे। तो आइए जानते हैं WWE में अंडरटेकर के 5 डरावने पलों के बारे में, जिनमें अंडरटेकर ने कुछ ऐसा भी किया जो किसी ने सोचा नहीं था। नंबर 5, अलाइव इन ग्रेव। दोस्तों, साल 1996 के समर स्लैम में पॉल बेरर ने द अंडरटेकर को धोखा दे दिया था और वो मैनकाइंड के साथ जा मिले थे। इसके बाद पॉल बेरर ने द अंडरटेकर को मैनकाइंड के खिलाफ बरीड अलाइव मैच लड़ने की चुनौती दी थी, जिसके बाद WWF इन योर हाउस PPV में टेकर और मैनकाइंड के बीच बरीड अलाइव मैच हुआ। दोनों ही रेसलर्स ने यहाँ काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी। यहाँ कई बार पॉल बेरर ने अंडरटेकर का ध्यान भटकाने की कोशिश की, पर हर बार अंडरटेकर मैनकाइंड पर भारी पड़ रहे थे। मैच के अंत में टेकर ने मैनकाइंड को चॉक स्लैम देकर सीधा कब्र में डाल दिया और उसमें मिट्टी डालने लगे। तभी वहां पॉल बेरर के चमचे आए और कई सारे रेसलर्स ने मिलकर मैनकाइंड को बाहर निकाला और अंडरटेकर को कब्र में डालकर दफन कर दिया। पर सबसे डरावना पल तो अभी आना बाकी था। मैच के बाद में अंडरटेकर की कब्र पर बिजली गिरी और उनका हाथ बाहर निकल आया। यहाँ अंडरटेकर ने यह बता दिया था कि कोई भी उन्हें मार नहीं सकता, वो अभी भी जिंदा है, इसलिए उन्हें डेड मैन यानी कि मौत का सौदागर कहा जाता है। नंबर 4, द डेड हैज राइजन। दोस्तों, साल 1994 के रॉयल रंबल में अंडरटेकर ने योकोजुना के खिलाफ कॉस्केट मैच लड़ा था, जिसमें टेकर ने योकोजुना को मार मार कर उनकी हवा निकाल दी थी। पर जब अंडरटेकर ने उन्हें कॉस्केट में डाला और जैसे ही वो कॉस्केट बंद करने गए, तभी एक रेसलर ने पीछे से टेकर पर वार कर दिया। देखते ही देखते एक रेसलर से बढ़ते बढ़ते 9 रेसलर्स अंडरटेकर को रोकने के लिए आ गए, लेकिन ये सब मिलकर भी मौत के सौदागर को रोक नहीं पा रहे थे। 8 मिनट तक चली इस जंग में जैसे तैसे करके योकोजुना और उनके साथियों ने मिलकर डेडमैन को कॉस्केट में कैद कर ही दिया। पर फिर जो हुआ उसे देखकर योकोजुना खड़े खड़े मूतने लगे। दरअसल जब ये रेसलर्स उस कॉस्केट को ले जा रहे थे, तभी उसमें से धुआं निकला और चारों तरफ अंधेरा छा गया। इस डर के माहौल में कॉस्केट के अंदर का नजारा दिखाया गया, जिसमें अंडरटेकर अचानक से जिंदा हो गए। फिर 2 मिनट का प्रोमो कट करने के बाद ये कहकर कि मैं मरूंगा नहीं, अंडरटेकर की आंखें बंद हो गईं और धमाका हुआ, जिसके बाद दिखाया गया कि अंडरटेकर की आत्मा कॉस्केट में से निकलकर बाहर आ गई है। नंबर 3, एक्सट्रीम रिवेंज इनटू हेल। दोस्तों, साल 2008 के समर स्लैम में अंडरटेकर और एज के बीच हेल इन अ सेल मैच हुआ था। ये एक बहुत तगड़ा मैच था, जिसमें एज ने अंडरटेकर को कांटे की टक्कर दी थी, पर एंड में जीत डेडमैन की हुई। लेकिन एज ने इस मैच में अंडरटेकर को जितना दर्द दिया, उसका हिसाब शायद उन्हें बराबर करना था, इसलिए अंडरटेकर मैच के बाद एंट्रेंस स्टेज पर से फिर रिंग में पलट कर आए और इस बार एज को लैडर पर से नीचे चॉक स्लैम मारा, जिस वजह से रिंग में छेद हो गया। लेकिन सबसे डरावना पल अभी आना बाकी था। कुछ सेकंड्स के बाद उस छेद में से आग की बहुत ऊंची और भयानक लपटें निकली, जो कि सेल की छत को लगभग छूने ही वाली थी। शायद यहां WWE ये दिखाना चाहती थी कि अंडरटेकर ने एच को नर्क में फेंक दिया है। नंबर 2, सुपर नेचुरल पावर्स। 8 मार्च 2004 के रॉ में केन आते हैं और अंडरटेकर को कहते हैं, डेडमैन मैं तुमसे नहीं डरता हूं। तभी अंडरटेकर का थीम सॉन्ग बजता है और जिस रिंग में केन खड़े थे वो ऊपर उठने लगती है। रिंग का अचानक हर तरफ से ऊपर उठना और हिलना काफी ज्यादा डरावना था, जिसे देखकर केन की फटकर 4 हो गई थी। फिर अंडरटेकर का जवाब आता है, इस संडे को फिर से सब कुछ शुरू होगा रसलमीनिया 20 में। ऐसा इसलिए क्योंकि उस वक्त अंडरटेकर का रसलमीनिया में रिटर्न होने वाला था, जहां उनका केन के खिलाफ मैच था। नंबर 1, डार्क वेडिंग विद स्टेफनी मैकमैन। दोस्तों, एटीट्यूड एरा के समय 26 अप्रैल 1999 के रॉ में अंडरटेकर का एक खौफनाक चेहरा देखने को मिला। इस समय अंडरटेकर की टीम हुआ करती थी, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ डार्कनेस कहा जाता था। दरअसल इसी दौरान अंडरटेकर और उनके साथियों ने WWE के मालिक विंस मैकमैन की बेटी स्टेफनी मैकमैन को किडनैप कर लिया था,
जिसके बाद रॉ में मिनिस्ट्री ऑफ डार्कनेस के मेंबर्स अंडरटेकर के इस निशान के ऊपर स्टेफनी मैकमैन को बांधकर रिंग में ले आते हैं। दरअसल यहां अंडरटेकर स्टेफनी मैकमैन से डार्क वेडिंग यानी कि अपने तरीके से शैतानी शादी करने वाले थे। इस दौरान स्टेफनी बार बार नोनो चिल्ला रही थी क्योंकि ये उनके साथ गलत हो रहा था, वो ये शादी नहीं करना चाहती थी। वही अंडरटेकर उन्हें कुछ इस तरह से छुए जा रहे थे, उनके सर पर तो मानो खून सवार था कि उन्हें अब स्टेफनी को अपना बनाना ही है। जब पॉल बैरर मंत्र पढ़ रहे थे तभी कई सारे रेसलर्स ने आकर स्टेफनी को बचाने की कोशिश की, पर टेकर के साथियों ने मिलकर सबको रौंद डाला। अंत में जैसे ही अंडरटेकर स्टेफनी को किस करके शादी की रस्में पूरी करने वाले थे तभी अचानक से द रेटल स्नेक स्टोन कोल्ड ने आकर स्टेफनी को बचाया और पूरी मिनिस्ट्री ऑफ डार्कनेस की ठुकाई कर डाली। जब स्टोन कोल्ड ने सभी रेसलर्स को मार मार कर वहां से भगा दिया और स्टेफनी के हाथ पैर खोले तो स्टेफनी सीधा उनके गले लग गई और फिर विंस मैकमैन के भी गले लगी। तो दोस्तों, इन पांच पलों में से आपको सबसे डरावना पल कौन सा लगा हमें कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। बिलीव इन गॉड एंड थैंक्स।